पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा। ये गाना मेरे को बहुत पसंद है, आज भी और 20 साल पहले भी था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, कुछ सिखाऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा अपना पॉलीटेक्निक, जीबी पंत पॉलीटेक्निक, जहां से मैंने पढ़ाई करी थी, जो एशिया का बिगेस्ट पॉलीटेक्निक भी है और जहां मैं 20 साल बाद गया। और साथ ही साथ आपको मिलाऊंगा अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों से। और वीडियो के एंड में मेरे सभी इंजीनियर भाइयों के लिए एक संदेश मेरे फेवरेट टीचर AK मिश्रा जी की तरफ से। तो चलिए अब चलते हैं जीबी पंत पॉलिटेक्निक। ड्राइवर गाड़ी निकालो। हेलो दोस्तों, आज बता नहीं सकता हूँ कैसी फीलिंग है। आधे घंटे से मैं घूम रहा हूँ अपने कॉलेज में, जहाँ मैं 2002 के बाद अब आया हूँ, यानी लगभग 18-19 साल बाद। और आधा घंटा मुझे हो गया है और बहुत ज़्यादा यादें मेरी जुड़ी हुई हैं इस इंस्टीट्यूट से, जीबी पंत पॉलिटेक्निक से। मैं पास आउट हूँ और चलिए आपको आगे दिखाता हूँ कि मेरा पॉलिटेक्निक आज कैसा दिखता है। तो ये देखिए एक राउंड नज़ारा मेरे पॉलिटेक्निक का, और वहाँ से एंट्री होती थी और बहुत दूर से हम लोगों को बस स्टैंड से चल के आना होता था। एक छोटा सा रास्ता था और आगे स्टार्टिंग में वर्कशॉप होती हैं। अभी वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहाँ हमारी वेल्डिंग की वर्कशॉप, शीट मेटल वर्कशॉप, ये सब होती थी। और इस पार्क में हम लोगों ने खूब टाइम पास किया है। और यह जो अभी दीवार है, यहाँ से रास्ता होता था बाहर जाने का और छेदी के छोले मिलते थे। और इस पार्क के पास एक कैंटीन होती थी जो कि अब नहीं दिख रही है, और बिल्डिंग भी अब काफ़ी अच्छी पेंटेड है। और जो लोग यहाँ 99 बैच में था और जो लोग 99 to 2002 के पास आउट हैं, वो मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। और वो होती थी फेमस पहाड़ी, जहाँ कभी यूपी गैंग, कभी फरीदाबाद गैंग, और कुछ यूनियन, कुछ हॉस्टल्स, ये सब होता था। और ये हमारे इंस्टीट्यूट की है एंट्री, तो आज भी वैसे ही बरकरार है। और मेरे पास शब्द नहीं है अपनी फीलिंग को बयान करने के लिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया। अब मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और दिल मेरा धक धक कर रहा है, ना जाने क्यों। यहाँ मैं बहुत घूमता था, कभी भी कैसी भी सीढ़ी पे बैठता था। और अब मैं वन ऑफ दी अपने टीचर से मिलने जा रहा हूँ, तो चलिए देखता हूँ कि मैं उनके पास पहुँच पाता हूँ। वो अभी भी उसी कैबिन में बैठते हैं और कैसा रहता है सब कुछ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की होती थी क्लासेस इस तरीके से, और मैं जा रहा हूँ अपने वन ऑफ दी फेवरेट सर मिस्टर AK मिश्रा जी से मिलने। चलिए एक टिपिकल क्लासरूम बता देता हूँ। इस तरीके से हमारे बेंचेस और क्लासरूम होते थे, और यहीं पे हम एग्ज़ाम भी दिया करते थे। और इस क्लासरूम में मैंने एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट होता था, उसका एग्ज़ाम दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। राइट में मुझे ध्यान है कंप्यूटर लैब होती थी और ये ड्रिंकिंग वाटर का एक पॉइंट होता था। एग्जाम कंट्रोल रूम। ये हमारे एक सर का कैबिन है और यहाँ हमने बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा दिए। एक खास बात बताता हूँ, वो खास बात ये है, जब तक हम प्रैक्टिकल में सही जवाब देते रहते थे, तब तक टीचर लोग पूछते रहते थे। जब हम एक गलत जवाब दे देते थे, तो टीचर्स बोलते थे, देखा तुम फंस गए ना, और फिर वो आगे पूछना बंद कर देते थे, वाइवा क्लोज हो जाता था। तो हम जब हमें जल्दी फ्री होना होता था, तो हम जल्दी से गलत जवाब दे देते थे। हम भी बड़े इंटेलिजेंट थे। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो पुराना कॉलेज होता है, जहाँ से हम पास आउट होते हैं, या स्कूल होता है,
वो हमारा एक खजाना होता है और हम उसे कभी एक्सप्लोर नहीं करते। मैं आज 20 साल बाद या 19 साल बाद एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। एक अजीब सी खुशी है मेरी बॉडी के अंदर, मेरे चेहरे पे, और अच्छे केमिकल जनरेट हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों बाद भी मेरे कदम यहाँ नहीं डगमगाए आने से, और मुझे चप्पा चप्पा एरिया एरिया अपने कॉलेज का आज भी पता है। मेरे पैर अपने आप ही चलने लग गए, सीढ़ियाँ जानी पहचानी लगी। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अनजानी सीढ़ी पे चल रहा हूँ। और सब कुछ बहुत अच्छा है, शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन बोलने का बहुत मन करता है। तो अब मैं खड़ा हूँ अपने फेवरेट सर AK मिश्रा जी के कैबिन के बाहर, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रिएक्शन रहेगा उनका। मैं कैबिन सर, वाह, नमस्कार वेरी सर। अच्छा, वेरी नाइस टू सी यू सर, आपने पहचान लिया? आफ्टर आफ्टर लॉन्ग आई हैव सीन यू। थैंक यू सर। बी प्लीज बी सीटेड। फुल जोश था पढ़ाने का, बच्चे पढ़ने वाले थे, हम पढ़ाने में मजा आता था, सही पढ़ाने बात में है। तब भी मजा आता है लेकिन बच्चा भी वैसा होना चाहिए ना। बच्चा भी उनकी ये चेंज हो गया थोड़ा सा। हाँ, ये सब चेंजेस के पीछे वर्मा जी ने अच्छा काफी चेंज किया है। वो भी देख लें जरा, रिसेप्शन वगैरह भी। ये रिसेप्शन बनाया था, चेंज हो गया है, पत्थर की क्लैडिंग व्लैडिंग भी। तो अब मैं और मिश्रा सर मिलने जा रहे हैं हमारे HOD से। तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे HOD थे वर्मा जी, मैं उनसे नहीं मिल पाया बिकॉज़ मेरे HOD अब इस दुनिया में नहीं है। बट वहाँ पे करेंटली एक HOD साहब थे, उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे उसी तरीके से ट्रीट करा जैसे वर्मा जी मुझे ट्रीट करते थे, अपना स्टूडेंट ही समझा। और उन्होंने मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद भी दी कि मैंने दो बिजनेसेस सेट करे हुए हैं और काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा हूँ। तो वो पल भी मेरे लिए बड़ा यादगार था। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी दोस्तों के बिना अधूरी होती है। तो जब मैं अपने पॉलिटेक्निक गया तो मुझे अपने पॉलिटेक्निक के दोस्तों की याद भी आई, और मैंने उन्हें कॉल किया और बताया मैं ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने भी कुछ बाइट्स शेयर करी हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ अब अपने दोस्तों से। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय पाल। आई एम आल्सो पास आउट फ्रॉम जीबी पंत पॉलिटेक्निक इन 99 to 2002 बैच, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद हेवल्स एंड एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर धीरज फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। गुड मेमोरीज की बात करें तो कॉलेज के अंदर क्रिकेट खेलना इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड मुझे वो हमेशा याद आता है वो पल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलू। आप सबके साथ मैंने भी 2002 में इलेक्ट्रिकल से पास आउट किया था पंत से। अभी देहरादून में UK पेयजल निगम में EE की पोस्ट पर हूँ। कॉलेज की बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कभी भूलती नहीं हैं। मैं और नीतू कॉलेज टाइम से फ्रेंड नहीं हैं, स्कूल टाइम से हैं। फर्स्ट टाइम जब आ रहे थे कॉलेज तो हम लोग छाते में मुंह छुपा कर आ रहे थे। हमें लगा था अगर सीनियर्स पहचान जाएंगे तो हमारी रैगिंग लेंगे, लेकिन फिर भी सीनियर्स तो सीनियर्स होते हैं, पकड़ लिया, रैगिंग हुई। लेकिन अच्छी मेमोरीज थी, और छेदी के छोले कुलचे तो हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते। बाकी बहुत सारी बातें हैं, करेंगे जब कभी मिलेंगे, मौका मिलेगा। बाय। हेलो गाइस, दिस इज राहुल। आई हैव आल्सो डन अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग From GV Pant College in the year of 2002. I have worked with one of the best industry in the field of scientific instruments, and due to this I traveled all around India and sometimes Europe. In my college memories, I have remembered the match, the cricket match which was played in the premises of GV Pant College. In that match, Manoj, our opener batsman, he played very well like a Tendulkar, and unfortunately we lost that match. Love you guys. Hi guys, my name is Manoj Madhavan, and I thank Dheeraj for giving me this opportunity to speak a little bit about my memories with GB Pant. The sweetest memory which I have with GB Pant is
bunking the classes with my friends, of course, Dheeraj, Ajay Pal, Abhinav, and we went to my brother's place in Govindpuri and spent the whole time there having fun, and thereafter coming back to the college, playing cricket, everything we did in GB Pant was a sweet memory to me. Thank you. तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे दोस्त? और अगर आप भी मेरे जीबी पंत पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए हैं और कुछ यादें हैं वहाँ की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और चलिए, अब मैं आपको मिलाता हूँ मेरे फेवरेट सर एके मिश्रा जी से. वो क्या संदेश देते हैं हम इंजीनियर भाइयों के लिए. ओके, तो फ्रेंड्स, अब मैं ले रहा हूँ अलविदा अपने सर से, अपने बेस्ट सर से. और मैं चाहता हूँ सर कुछ मैसेज दें हमारे जैसे 20 साल पुराने इंजीनियरों के लिए और नए इंजीनियरों के लिए भी, ताकि देश आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर हों. ओवर टू यू सर. बच्चा लोग, वेरी नाइस सीइंग धीरज हियर, एंड आई थिंक धीरज हैज रिप्रेजेंटेड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ ईच एंड एवरी डे, एंड द चैलेंजेज ऑफ सोसाइटी विल बी वेरी वेल डेल्ट बाय यू. And my all the best wishes with you, and hope you are going to do well in the future too. Thank you, sir. और मैंने सर से प्रॉमिस किया है थोड़े थोड़े इंटरवल पे मैं यहाँ आता रहूँगा, क्योंकि सर ने मुझसे बोला कि बहुत बच्चे आते नहीं हैं इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद, और मुझे आके बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट जरूर आता रहूँगा. थैंक यू दोस्तों, बाय बाय.